पूरा मामला मैनपुरी के थाना करैल क्षेत्र का है, जहां के ग्राम नगला अतिराम में 26 अगस्त की रात चार बदमाशों ने घर में घुसकर खूब लूटपाट की थी। इतना ही नहीं, इन साथी बदमाशों ने लूटपाट के दौरान पिता व पुत्री को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। पकड़ा गया बदमाश उस लूट में शामिल था और अपने तीन साथियों की मदद से इसने ही उस घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाश ने अपने तीन साथियों के नाम व लूटा हुआ सामान भी पुलिस को बरामद करा है। वहीं तीन नामित मुस्तकीम व गुल्लो एवं भैया निवासी ओजातना नया गांव जनपद भिंड मध्य प्रदेश जाने में सफल हो गए। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। एस के 26 अगस्त को रात्रि में करीब 2:30 बजे मेरा अतिराम गांव पड़ता थाना करैल का, वहाँ पर एक घर में चार बदमाश घुस गए थे और उन्होंने मारपीट करने के पश्चात काफ़ी सामान लूट के ले गए थे। उसी में से एक पप्पू पर सुखर सिंह पकड़ा गया। ये ग्राम ओझा थाना नया गांव भिंड का रहने वाला है। इसके तीन अन्य साथी फरार हैं। इनके कब्जे से जो माल चोरी हुआ था वो बरामद हुआ है। साथ आला मेकअप और पवन से बरामद हुआ है। ये प्रोफेशनल ये बंजारे हैं जो अपराध करते हैं और ये पहले क्षेत्र में ट्रैकिंग करने के पश्चात मकान खरीद कर लेते हैं और रात की यहाँ घटना करते हैं। कितने की लूट हुई थी सर उसमें? इसमें करीब चार अटैची ले गए थे लोग और कुछ ज्वेलरी ले गए थे। करीब 50,000 रुपये कैश ले गए थे। कुछ आरोपी फरार हैं? इसमें तीन आरोपी फरार हैं, उनके हम गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इनका इन्वेस्टिगेशन प्रयास कर रहे हैं, अभी हमको बताया नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो है गावा में घटना उसको हम अपराधों के